अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका मतलब खाली चैनल पे जी वेलकम। आज आ गए हमें जी न्यू रेसिपी के साथ। जी फाइनल कॉक के सामने है, आप देख सकते हैं जी कीमा कढ़ाई की बिल्कुल नए अंदाज में मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बनने वाली है। कम मसालों के साथ मज़ेदार सा कीमा कढ़ाई आपके सामने है। अभी मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल ले सकते हैं तकरीबन हाफ कप। चॉप किया है मेरे पास 3 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और अब मैं इनको डाल रही हूँ। और इनको मैंने गोल्डन नहीं करना है, जस्ट मैंने इनको पिंक करना है। स्टर करते हुए मैं इसको पका लूँगी, हमने इसको गोल्डन नहीं करना है, जस्ट पिंक करना है। ठीक है जी, ये प्याज अब पिंक हो गया है, कलर चेंज कर लिया है अच्छे खासे, मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है इसके लिए। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो कीमा है जिसको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। बीफ का, मटन का, जो सभी मर्जी कीमा अपने मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया, कलर चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 6 अदद टमाटर, जिनका मैंने इसे प्यूरी बना लिया, पेस्ट बना के मैं डाल रही हूँ। उसको मैं अच्छे से पकाऊँगी इसके साथ ही। 1 टेबलस्पून जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। मिर्च नमक आपके टेस्ट के मुताबिक होंगे। 1 टेबलस्पून आप सूखा धनिया भर के मैंने डाला है। टर्मरिक पाउडर डाला है मैंने, यानी कि हल्दी डाली है मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून। इसको मैंने अच्छे से भून लूँगी टमाटरों के साथ। देखिए जी मैंने भूना है तकरीबन, और टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका हुआ यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे 1/2 कप दही है या 1/2 प्याली आप कह लें। उसको मैं 10 मिनट पकाऊँगी इसके साथ ही। 10 मिनट के सामने आपके सामने फाइनल लुक मौजूद है। मैंने इसको गार्निशिंग किया है हरी मिर्च अदरक और लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जायके में बहुत ज़बरदस्त थी। इसी के साथ रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त मध्य फाल के चैनल से। नेक्स्ट रेसिपी के साथ नए ब्लॉग्स जल्द आएंगे, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कम होती है आपके साथ ब्लॉग्स लाजमी शेयर करेंगे। रेसिपी को इन्जॉय कीजिएगा, मस्त ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान।